पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मदरसा सर्वे को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। शिक्षा मंत्री का कहना है कि मदरसों का जो सर्वे हो रहा है वो शिक्षा के विकास के लिए हो रहा है। हम चाहते हैं जो शिक्षा सबको दी जा रही है वो मदरसों में भी दी जाए, जिससे मदरसे से पढ़े बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, शिक्षक बने, सभी विभागों में जाएं, केवल मदरसों तक ही ना रह जाएं। वहीं लगातार मदरसा सर्वे के बाद कार्रवाई के आने वाले बयानों पर उनका कहना है कि जो अवैध चल रहे हैं, मान्यता जिन्होंने नहीं ली है, तो अवैध तो कोई भी चीज़ होगी उसको तो रद्द किया ही जाएगा, चाहे वो मदरसा हो या अवैध रूप से विद्यालय चल रहा हो, बंद किए जाएंगे। वहीं सपा की तरफ से लगातार सरकार पर मदरसा सर्वे को मदरसा तोड़ने वाले आरोपों पर उनका कहना है कि उनकी जैसी मानसिकता है वो वैसी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको जोड़कर चलती है, सभी बच्चों के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हो, इसीलिए सर्वे कराया जा रहा है। मैम, उत्तर प्रदेश में मदरसा सर्वे पूरे लगभग पूरे हो चुके हैं और 1000 के करीब जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो अभी तक सामने है, किसने? नहीं, मदरसों का जो सर्वे हो रहा है वो शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए हो रहा है। हम चाहते हैं कि जो शिक्षा सबको दी जा रही है वो मदरसों में भी दी जाए, जिससे मदरसों के पढ़े हुए बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, शिक्षक बने, सभी विभागों में जाएं, केवल मदरसों तक ही ना रह जाएं। तो मैम, लगातार ये बात सामने आ रही थी कि मदरसा सर्वे के बाद में जो है कुछ कार्रवाइयाँ करवाएंगे, कुछ लोगों ने नहीं, जो अवैध चल रहे हैं, जो मान्यता जिन्होंने नहीं ली है, जो अवैध चल रहे हैं, तो अवैध तो कोई भी चीज़ होगी उसको रद्द किया जाएगा, चाहे वो मदरसे हों और चाहे वो अवैध रूप से विद्यालय चल रहे हों, वो रद्द किया जाएगा। लोगों का कहना, सपा के कुछ नेताओं का कहना ये था कि इनको तोड़ने का जो है ये पूरा प्रोपेगेंडा जो तैयार किया जा रहा है। उनकी जैसी मानसिकता है वो वैसी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर चीज़ को जोड़ के चलती है, सभी बच्चों के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हो, इसलिए सर्वे किया जा रहा है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो हर जगह लागू हो। तो क्या सर्वे पूरा होने के बाद में जो गैर मान्यता वाले पाए जाएंगे उनके लिए क्या रहेगा? ये एक वैधानिक प्रक्रिया है, जो वैधानिक प्रक्रिया में आएगा उसके साथ वैसा किया जाएगा।